जिले की कलेक्टर हूँ, बेटी हूँ और बहुत कुछ बदल सकती हूँ। सर, जब मैं कल जिलाधिकारी के पद पर बैठी तो मुझे ये लगा कि एक जिलाधिकारी के ऊपर कितनी ज्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। सभी की फरियादों को सुनकर ध्यान से तो उनके हित में निर्णय लेना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और अगर मुझे ये पद मिलता तो मेरी पहली प्राथमिकता होती कि विद्यालय में शिक्षा का सुचारू रूप से संचालन हो। और जैसे कि अभी आप जानते हैं कि कई बहुत से पर्व चल रहे हैं, तो इस बार सुरक्षा बढ़ाते ताकि किसी प्रकार के धार्मिक दंगे ना हो, किसी भी व्यक्ति की आस्था को ठेस ना पहुंचे, यही सब मेरी प्राथमिकता होती। और मेरा जीवन में गोल इंजीनियर बनने का है और इसके लिए मैं मेहनत करती रहूंगी। सुना ना आपने, कामिनी बहराइच जिले की हाई स्कूल टॉपर हैं, पढ़ने में होनहार हैं, छोटी उम्र में ही बड़ी से बड़ी चीज़ों को समझती हैं। आपने सुना ही होगा, कह रही थी कि अगर मौजूदा वक्त पर डीएम होती तो नवरात्रि में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष रूप से ध्यान देती, जिससे किसी भी तरह के धार्मिक दंगे ना हो। वो जहां पढ़ाई करती हैं उसके रंग रूप और पढ़ाई को बेहतर बनाने के तरीके भी उनको पता है। सर, मेरा नाम कामिनी सिंह है और मैं बाल शिक्षा निकेतन गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। अभी इस समय कक्षा 12 में पढ़ती हूँ। सर, अगर हम बात करें कि डेली दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए, तो अगर हम विद्यालय जाते हैं और जो हमें विद्यालय में पढ़ाया जाए उसको हम ध्यान से पढ़ें, अगर घर पर आकर उसको एक बार दोबारा से पढ़ लें तो वो पर्याप्त होता है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें डेली दो घंटे हमें डेली पढ़नी चाहिए। और जैसे कि हम कोई ना कोई टू डू लिस्ट बनाते हैं तो कभी वो कोई चीज़ पूरी नहीं होती तो हम उसको बनाना बंद कर देते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उसको बनाते रहना चाहिए, क्योंकि आदत पड़ जाती है तो फिर सो सब काम होने लग जाते हैं बस ऐसा। और कोई भी अगर परीक्षा में कम नंबर आए तो उसे हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, खुद को दूसरों से कंपेरिजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा हमारा निरीक्षण करने के लिए होती है और हमें डिमोटिवेट उससे नहीं होना चाहिए। कामिनी की स्टोरी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकती है। मिशन शक्ति के तहत बहराइच जिलाधिकारी मोनिका रानी ने उनको एक दिन का कलेक्टर बनाया। कामिनी पढ़ने में होनहार हैं, उन्होंने एक दिन की डीएम बनने के बाद जन सुनवाई के तहत फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द उनका निस्तारण करने के आदेश भी दिए। कामिनी के पिता नानपारा बाईपास रोड पर बने एक पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। कामिनी को मिले इस सम्मान से उनकी माँ भी बहुत खुश है। कल आपकी बच्ची एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनी थी, तो क्या खुशी थी उसको देखकर और इस चीज़ को अनुभव करके? पैसा बहुत अच्छा लगा। क्या सोचा आपने इसके बाद? सोचा कि आगे पढ़ाई करेंगे, इस लड़की गणती की जो इच्छा होगी। क्या चाहती है बच्ची आपकी? अब जो लड़की चाहेगी वो हमें भी पसंद है। पढ़ाई में अव्वल होने के नाते विद्यालय के प्रिंसिपल और टीचर भी इनको खूब मानते हैं। अब एक दिन की डीएम बनने के बाद कामिनी चाहती हैं कि वो असल जिंदगी में एक दिन जिला अधिकारी बने। बहराइच से लोकल टीम की रिपोर्ट।